दोस्तों ऑटोमोबाइल में खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के तरीके के बारे में बता रहा हूँ। बहुत से बंदे इस जगह पे आके फेल हो जाते हैं, वो कौन सा पॉइंट है जिस पे आके बंदे फेल होते हैं, ठीक है। अभी मैं गाड़ी के ऊपर आपको बताता हूँ, ठीक है। गाड़ी कोई भी हो, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, आपको उसके ऊपर वो बिठा सकते हैं, ठीक है। आपने क्या तरीकाकार करना है, वो बोलते हैं अक्सर ये सिस्टम आ रहा है, ठीक है। पहाड़ी नुमा जगह होती है, आगे की तरफ चढ़ाई चढ़ना होता है, आगे की तरफ चढ़ाई चढ़ना होता है और पीछे की तरफ ढलान होती है, सेंटर में आपकी गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी मतलब कि बेहतियाती करेंगे, गाड़ी पीछे को आएगी और आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपने गाड़ी को पीछे नहीं आने देना, उन पाँव पर गाड़ी को आपने आगे की तरफ रवाना करना होता है। आपने वो तरीकाकार किया है, देखें बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत से ड्राइविंग स्कूलों में बताई जाती है। ये देखें आपने क्या करना है, आपने एक्स ये देखें, आपने पहले क्या करना है, आपने क्लच को दबा लेना है। क्लच को दबाना है आपने, अगर सेंटर में गाड़ी खड़ी है तो आपने क्या करना है, क्लच को दबा लेना है ऐसे सही फुल। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेक पे पाँव रख लेना है, ये आपकी हैंड ब्रेक लगा लेनी है आपने, ठीक है। हैंड ब्रेक लगा लेनी है आपने अच्छी तरह ब्रेक से, देखें, और क्लच से पाँव उठा लेना है। वो आपको बोलेंगे भाई दिखाओ क्लच से पाँव उठाया है, हाँ उठाया है, ठीक है। अच्छा ब्रेक से पाँव उठा लो, ब्रेक से पाँव उठाया है, क्यों कि हैंड ब्रेक आपकी बहुत सख्त होनी चाहिए। वो बोलेंगे अब तूने 2 मिनट के अंदर अंदर इसको छुड़वाना, छुड़वा के ऊपर की तरफ वो उस पॉइंट के ऊपर लेके जाना है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने देखें क्लच को दबा लेना है, हैंड ब्रेक को खींच लेना फुल, और ब्रेक से पाँव उठा लेना है, ब्रेक से पाँव उठा लेना, ब्रेक पर पाँव नहीं रखना आपने, ठीक है। अब ब्रेक पर पाँव रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हैंड ब्रेक आपकी लगी हुई है। फिर आपने क्या करना है, आपने धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ानी है, देखें बढ़ानी है, क्लच को हल्का हल्का छोड़ना है, जो कि ये देखें 10 से 15, ये देखें ये एक्सीलेटर है, ठीक है। एक्सीलेटर तकरीबन जिधर आपकी है उधर से अध मतलब कि ये अगर मेरी एक्सीलेटर है, ये देखें 10 पे है, ठीक है। 10 पे ना आपने निस्प बढ़ा लेनी है, 10.5 पे कर लेनी है आपने, ये देखें 10.5 पे करूँगा मैं, क्यों आधे पे होगी है, ठीक है, निस्प पे होगी है, ठीक है। इधर तक आपने रखनी है एक्सीलेटर, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, गियर लगा लेना है, इस तरीके से आपने गियर लगा लेना आगे की तरफ। पहला गियर लगाना है आपने, मेरा पहला गियर लग चुका है, ठीक है। देखें क्लच को मैंने फुल दबाया हुआ है, अभी मैंने चढ़ाई चढ़ना है, अभी मैं करना है देखें आध पे है, ये आध पे है, ठीक है। अभी आपने जो है ना ये क्लच एकदम से नहीं छोड़ना, ये देखें ये बटन लगा हुआ है, इसको धीरे 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 डाउन करना है, और क्लच को धीरे धीरे आस्ता 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 ऊपर की तरफ रवाना करना है, ऊपर की तरफ। देखें ये देखें अभी देखें ये देखें गाड़ी मेरी आगे की तरफ बढ़ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आपने गाड़ी को ड्राइव करना है। किन्हीं को मेरी बात की समझ आ गई होगी, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ गया जैसे जैसे मैंने काम करवाया, ठीक है। हल्का हल्का रेस को छोड़ना है आपने, और धीरे धीरे जिस तरीके से रेस को छोड़ना उसी तरीके से आपने क्लच को भी, ये सारे क्लच रेस ये 3 पॉइंट ये जो है हैंड ब्रेक, ये तीनों को काम एक तरीके से आपने करवाना है तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। कितनों को, 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले 3 पॉइंट को मेन जो है तवज्जो देनी है आपने, किसके ऊपर, क्लच के ऊपर, एक्सीलेटर के ऊपर और हैंड ब्रेक के ऊपर। यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।